के ग्राम मदनपुर भेड़ियाड़ी गांव के समीप बड़ी गंडक नदी में नाव पलटने से 5 लोग पानी में डूब गए। आसपास के लोगों ने 3 को तो बचा लिया, लेकिन वो लोग 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। इनमें से एक का शव बरामद हो गया है और दूसरे शव की तलाश जारी है। मदनपुर भेड़ियाड़ी व गैरनी जंगल निवासी नत्थू कोलाई संतोष रामदरस व विजय बहादुर मंगलवार को नदी के उस पार खेतों में काम करने छोटी नाव से जा रहे थे। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि नाव डगमगा गई और उसमें पानी भर जाने के कारण डूब गई। नतीजा नाव पर सवार लोग भी पानी में डूबने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह 3 लोगों को बचा लिया, लेकिन रामदरस व विजय बहादुर नदी में डूब गए। डूबते लोगों को देख दूसरे किनारे खड़े नाविक ने अपने बेटे के साथ इन 5 लोगों को बचाने के लिए नदी में डूब गए और दूसरी नाव भी डूब गई। नाव पर सवार बाप पुत्र नदी में कूद तैरते हुए अपनी जान बचाने। घटना की जानकारी होते ही मौके पर अधिकारियों ने गोताखोरों की मदद से तलाश कराई तो रामदरस का शव बरामद हो गया, लेकिन विजय बहादुर के शव की तलाश जारी है। यहाँ बता देना जरूरी है कि नदी के किनारे बसे करीब दर्जन गांव कि लोगों की खेती बाड़ी गंडक नदी के उस पार पड़ती है। कोई साधन न होने के कारण प्रतिदिन किसान अपनी जान जोखिम में डालकर बड़ी गंडक नदी पार करते हैं और सोचे हैं कि वो धान उधर लगाया गया तो थोड़ा सा खाद डालना था उसमें, तो थोड़ा इतना खाद था वो लेके निकले हैं। मैं उनको वहाँ बंधे पे छोड़ के आया हूँ और वहाँ छोड़ के मैं चला आया। उसके बाद से वहाँ वो चले गए, 1 घंटा बाद वो बोले गाड़ी धो देना और धो के रख देना। गाड़ी में धो रहा था, खाना खा के गाड़ी धो रहा था, बस इतना ही टाइम वक्त गुजरा है। और उसके बाद से तब तक गाड़ी में इधर निकालूँ तब तक चाचा बोल रहे हैं कि सूचना आ गई उधर से। फिर हम लोग वहाँ जाके देखें तो सूचना ही थी, 5 लोग थे एक नाव पे और उस पर खाद रखा हुआ था और 3 लोग उसमें से निकल गए हैं, 1 लोग मृत हैं और मेरे पापा का नहीं पता है, डूबे हुए हैं, वो डूब गए, उनका कहीं आता पता नहीं, इधर से उधर पता चला कहाँ गए थे। खेत मान लीजिए नदी के उस पार है, खेत में खाद छिटने जा रहे थे और मान लीजिए नाव जब पहुंची आधे आध में वहीं पानी का सुमेर था, उसी में डूब गई। दूसरी नाव बचाने गई, इसमें 5 लोग थे तो इनको बचाने दूसरी नाव पहुंची, उसमें 3 लोग थे, वो अभी डूब गई। उसके बाद ये लोग बहने लगे तो बहते बहते दूसरी नाव जब भैंसहा से आई तो वह बचाई, जिसमें 3 लोग इस नाव में से बचे और 3 वो बच गए, लेकिन 2 आदमी तो मान लीजिए तो मिल ही गए, 1 लाश अभी नहीं मिल रही। कौन थे, कहाँ जाते थे, रोज क्या करने जाते, खेती कौन थे आपके, कहाँ जाते थे क्या करने जाते? जैसे वहाँ हम लोगों की खेती है नदी उस पार और घर है इस पार, रोज मान लीजिए खेत में लोग अपने काम करने जाते हैं, कोई सोहनी करने जाता है, कोई खाद छिटने जाता है। मान लीजिए जब खेती है उस पार है तो खेती का काम जानते ही है, कहीं ना कहीं जैसे रोज एक तरीके से जान हथेली पे रख के आप लोग। हाँ, इसी तरह से औरतें भी जाती हैं, कई नाव मान लीजिए कम से कम 10-15 नाव 20 नाव यहाँ से जाती है रोज और काम करके शाम को सब लोग चले आते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आवश्यक है वहाँ पुल बने जिससे कम से कम इस तरीके से जो मौतें हो रही हैं, जो हो रही है घटनाएं, इसके रूप में सरकार तो कई बार कही कि हम पीपा बनवा रहे हैं तो वहाँ पुल पास कर रहे हैं, लेकिन कोई वहाँ कोई व्यवस्था आज तक हुआ नहीं है। क्या हुआ था, क्या करने गए आप, फिर क्या देखा आपने, क्या घटना हुई थी? हम गई लेनी खेत से, आधा घंटा पहले ये नाव से पहले हम गए थे तो वहाँ अपने अरकी पर गए नदी के किनारे, तो अपन डेंगी बांधते रहे नाव तब तक इनकी नाव डूब गई। जब नाव डूब गई तो हम बचाए गए, तो बचावले में 3 आदमी का हम अपने नाव पर चढ़ा लेंगे, 2 आदमी बाकी रहना, एगो दूरी आ एगो अपन नाव पकड़ ले रहा आ हमार नाव, दोनों नाव पकड़ने के वजह से हमार नाव डूब गई। ओकरे नुकसान आ नुकसान बा हमार 2 मोबाइल बाप पुत के, 5 जाल रोल है, 2 छत्ता रोल है, नाव रोल है। अब उनके नाव डूब गई तो हमरो डूब गए, तो हम बचा के अपन जान नदी के तीरे चल गए। ओकरे बाद से हम ना देखनी है कि कहाँ उ गए लोग, कहाँ हम भाई क्या पता चला कितने लोग तो पता चलल है कि 3 जने मिलल हलो आ 2 जने दही गए। इस ग्राम सभा का और एक ग्राम सभा और गए नहीं, दोनों लोगों को जीविका खेती
नदी की उस पार है 3200 एकड़, उसी से सब लोगों का जीविका चलता है। और मजबूरी है कि अगर वो लोग सब लोग जाकर वहाँ खेती न करें तो खाने बिना मर जाएंगे, इसीलिए लोग जान तेज कर नदी उस पार जाते हैं नाव से। जबकि हमेशा शंका बना रहता है, जब तक घर नहीं लौटते हैं लोग तब तक घर के लोग बेचैन रहते हैं, जब तक लोग वहाँ से आ नहीं पाते। एक बार और दुर्घटना हुआ था, नाव डूब गई तो कई लोग मर गए। मांग हम लोग कई साल से करते हैं कि एक पुल बन जाए, चाहे उसका कोई व्यवस्था हो जाए, बाकी अभी आज तक व्यवस्था नहीं हुआ, जिस कारण कि आज भी लोग वो लोग जा रहे थे खाद छींटने, खाद ऊपर रखे थे लोग, 5 लोग सवार थे, 5 लोग में 3 लोग बच गए हैं और 2 लोग मर गए हैं। वो सुबह 9 बजे की घटना है, भेड़ियारी ठोकर नंबर 3 से एक छोटी डेंगी, छोटी नाव थी, वो लेके 5 लोग जो है काश्तकार थे, जिनका खेत नदी उस पार था, उनका घर इस पार है मदनपुर सुकरौली में। वो लोग जा रहे थे और साथ में ही उनके खेतों के लिए जो है अपना खाद लेके जा रहे थे, तो बीच नदी में ही उनके नाव में पानी भर गया और पलट गए, जिसमें 3 लोग सुरक्षित बाहर निकल गए तैर कर, एक व्यक्ति उसी में उसका डेथ हो गया और एक व्यक्ति अभी लापता है। उसके लिए हम लोगों ने रेस्क्यू टीम लगा दिया है, उसकी खोज जारी है और समस्त स्थानों से भी संपर्क कर लिया गया है और अपने माध्यम से जो गोताखोर हैं इन लोगों को लगा दिया गया है। उनके लिए जो है जो नियमानुसार है कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत ये दिया जा सकता है। इसके लिए ये है कि जैसे ओवरलोडेड नाव वाले हैं इनकी जांच की जा रही है और ऐसे में जो भी मिलता है कि ओवरलोड ले जा रहे हैं नाव, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर से हमारे संवाददाता गुड्डू कुमार चंदन की खास रिपोर्ट।